हम 10 साल से स्वाध्याय सुनते हैं और हम प्योर वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं कर पाते, मूल वस्तु नहीं पकड़ पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा छोपसम ज्ञान कम है, ये नहीं है, हमें बात समझ में नहीं आई, ये भी नहीं है। सच्ची बात ये है कि हमें फुर्सत ही नहीं है, हमें आत्मा की रुचि ही नहीं है, हमें उस श्रद्धान करने की कुछ पड़ी नहीं है। हम तो ये बातें घुमाते रहते इधर से उधर कि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अंदर से हमें कोई फिक्र ही नहीं है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो टाइम पास बना रखा है हमने। और आप कुछ व्यवहार की पड़ी ना, व्यवहार की भी नहीं पड़ी, कोई रुचि नहीं पड़ी, पैसे की रुचि पड़ी है, हाँ मकान दुकान की रुचि पड़ी है, पुत्र की रुचि पड़ी है, विषय भोगों की रुचि पड़ी है। तो जे विषय भोगों से व्यवहार से मिलेंगे ऐसा लगता है, इसलिए व्यवहार की रुचि पड़ी है। ये पूजा नहीं छोड़ सकता, स्वाध्याय छोड़ देगा, क्योंकि वो संस्कार प्रबल है कि पूजा करेंगे तो भगवान खुश होंगे। अब आपको लगोगे नहीं हम तो कोई, अरे तुम्हारे खुश करने का तरीका दूसरा है, तुम भगवान के माध्यम से कर्मों को खुश करते हो। तो जल्दी से अरे नहीं नहीं सामने से थोड़ी, अरे भैया अभी देखो तो अंदर गहराई में जाके देखो, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। एक अभी वीतराग भाव की तो खबर ही नहीं है, अभी तिजारा जाओगे तो वहां तुम्हारे दर्शन करने का स्टाइल बदल जाएगा। महावीर जी जाओगे तो वो मूल प्रतिमा मूल प्रतिमा मूल प्रतिमा, ये तो नकली है, वो असली तो पीछे है। करोगे कि नहीं करोगे, नकली से काम नहीं चलता फिर तुम्हारा। हम कितने धोखे बच्चों जैसे जीते, बिल्कुल बच्चों की तरह, एकदम 2 साल के बच्चे होते जैसे मूर्ख, उन बेचारों को कुछ खबर नहीं होते, खेल खिलौने ऐसे, ये हमने खेल खिलौने बना रखे, ये नकली प्रतिमा, ये असली प्रतिमा, ये चतुर्थकालीन प्रतिमा, ये 2000 साल पुरानी प्रतिमा, ये अभी की प्रतिमा, जैसे उस प्रतिमा में कुछ हो, अरे वो तो जड़ है, चाहे 2000 साल पुरानी, नहीं साहब 2000 साल पुरानी अतिशय होता, क्या अतिशय होता है, तुम्हें दुखर लेगी वो है। कोई चीज पुरानी होने से अतिशय हो जाती है, ये कैसे निकाल, ये वाह मंगल सेन जी आज जागे है, वाह है, देखो कितनी बढ़िया बात बताई, हम अनादि काल के हैं, करोड़ों अरबों खरबों ना जाने कितने वर्षों का भी लगाओ तो भी हिसाब नहीं है, इतने पुराने हैं, अपनी महिमा नहीं आती। लेकिन कोई कह देता है जी 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है तो उसको घंटों देखता है, उसको निहारता रहता है, और ये हमारे तो भाग्य खुल गए, हमें तो 1000 साल पुरानी प्रतिमा देखने मिल गई, और मैं स्वयं अनादि अनंत अनादिकालीन स्वयं भगवान हूँ, अपने को देखने की कोई फुर्सत नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। ख्याल में है ना, एलोरा की गुफाओं में 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, कब ले चलोगे एलोरा है। लेकिन जो चेतन तत्व अंदर विराजमान है इसको देखने की रुचि नहीं, ये तो प्रश्न है कि क्यों नहीं है, प्रश्न इसलिए है कि इसलिए रुचि नहीं है कि बाहर में सुख दिखता है, बाहर में ही दुख दिखता है, सुख का कारण भी परद्रव्य दिखता है, दुख का कारण भी परद्रव्य दिखता है, दुख का कारण स्वयं का मोह नहीं दिखता, या सुख का कारण भी स्वयं का ही मोह है, परद्रव्य ना दुख का कारण है ना सुख का कारण। और सही बात पूछो, मोह से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, हुआ है नहीं, अरे हुआ है तो बता। देखो अपन कितने खतरनाक लोग हैं, जब अपने बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ते हैं या 7वीं 8वीं 6वीं जो ही पढ़ते हैं, तब कोई कहता है कि इनको धर्म की शिक्षा देने भेज दो, जयपुर भेज दो, तो लोग पता क्या कहते, वहाँ क्या बनेगा, पूछते ना वहाँ क्या करेगा, ऐसे कहते ना वहाँ कैरियर नहीं है, तब बेटे का क्या दिखता है, कैरियर, और उसको कहते नहीं नहीं तुम तो अपना इंजीनियर डॉक्टरी जो है वो करो। और जब बाद में वो बच्चा अपनी नहीं सुनता तो कहता है काश जयपुर भेज दिया होता, तो वो इंजीनियर तो है, अब वो डॉक्टर तो है, पैसे तो लाखों करोड़ों कमा रहा है ना, अब खुश क्यों नहीं होते,
अरे ये सब तुम्हारी अंदर की मोह की दशा है। ये जीव अगर हृदय से आत्मा से प्रेम करे ना, और ये मोह के वशीभूत नहीं हो, तो संसार में कहीं पर भी रहे वो दुखी नहीं हो सकता।